Hello guys, good morning. Earthquake engineering, my topic, my syllabus engineering, earthquake engineering topic है, मतलब syllabus में last topic हमारा दिया गया है disaster management, उसके बारे में हम study करेंगे. तो आज हम start करते हैं disaster management. मतलब management का मतलब क्या होता है? Manage करना है, मतलब प्रबंधन करना किसी चीज़ का, उसका रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना, ठीक ना. डिजास्टर का मतलब होता है आपदा. आपदा मतलब एक प्रकार से विपदा, संकट या कोई भी, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, हमारे वातावरण में या हमारे, मतलब हम लोग को, मतलब मानव जनित को क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में, उस नुकसान से बचने के लिए हम कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं. वह यह प्रक्रिया है जिसमें हम, मतलब हमने बताया ना कि इसमें हम प्रबंधन, मतलब आपदा, विपदा, संकट, मतलब प्रॉब्लम, एक तरह का प्रॉब्लम, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि इसमें किस प्रकार का संकट है. तो ये इसमें यही दिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम हैजार्डस शब्द का इस्तेमाल करें, मतलब एक तरह का संकट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकट, ठीक ना. वह प्रक्रिया है जिसमें हम हैजार्डस के कारकों का, मतलब कारणों का अध्ययन करते हैं. हैजार्डस यानी संकट, ठीक. संकट वह प्रक्रिया है जिसमें मानव जनित या प्राकृतिक दोनों हो सकता है, ठीक. जिसमें संकट में क्या हो सकता है, मतलब हमारा संकट कैसे आ सकता है, हमारे वातावरण पर या हमारे इन्वायरमेंट में कैसे ये चीज़ हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है, मतलब हमें कैसे ये प्रभावित करते हैं. तो ये प्राकृतिक हो सकता है या मानव जनित हो सकता है, हमें ये दो कारकों, मतलब दो कारणों से प्रभावित कर सकते हैं हमारे लाइफ को, इन्वायरमेंट को, ठीक ना. तो इसमें हम यही पढ़ेंगे प्राकृतिक और मानव जनित हो सकता है, जिसमें मानव की जन धन दोनों का हानि हो सकता है. मतलब हमारा क्या है कि हम जो इस, मतलब इन्वायरमेंट हमारा बेसिक यही है कि हमारा जो ह्यूमन है और जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में, ठीक ना. कि हमें, मतलब हमारे ह्यूमन को कैसे, हमारे लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें यही हम चीज़ पढ़ेंगे. तो मानव को जब ये इफ़ेक्ट करता है तो इसमें धन और जन दोनों लोगों को, मतलब मानव को जो इफ़ेक्ट करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका धन, मतलब ग्रसित होने का, मतलब नष्ट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है. मतलब पूरे मानव समाज को ये संकट की तरह से वो करता है, ठीक ना. और इसमें क्या हो सकता है, जन धन दोनों का नुकसान हो सकता है और इन्वायरमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक. तो ये तो हो गया संकट. संकट को, मतलब हम संकट में हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि ये दो प्रकार का होता है, मानव और प्राकृतिक, मतलब नेचुरल और ह्यूमन या आर्टिफिशियल डिजास्टर. तो इसमें ये हो गया कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता कर सकता है और मानव के, मतलब जन और धन दोनों का नुकसान हो सकता है, ठीक ना. तो इसमें ये तो संकट हो गया, आपदा क्या है, विपदा क्या है, ये इसके बारे में हमने जान लिया. अब इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक. मतलब ये कितने प्रकार का होता है, आपदा कितने प्रकार का होता है. पहले हमने संकट में बता दिया था कि संकट दो तरह का होता है. तो इसी के बेसिस पे मानव और प्राकृतिक, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफिकेशन किया, मतलब इसको डिवाइड किया. तो नेचुरल हैजार्डस, मतलब जो हमारी प्राकृतिक आपदा है, मतलब प्राकृतिक संकट है, वो हमें कैसे ये प्रभावित कर देंगे, कैसे इफेक्ट करेंगे, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल हैजार्डस के बारे में, ठीक ना. यह प्राकृतिक संकट है जिसमें हम देखते हैं, मतलब यह प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, इसमें हमको कैसे देखते हैं कि ये कैसे, किस कारणों के, क्या वजह, कैसे हमें पता चलता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक. तो जैसे क्या होता है कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, सुनामी, लहरें आता है, आजकल अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस आ रहा है, ये भी एक तरह का नेचुरल, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चल पाया ना कि हमारा ये किस वजह से कोरोना चल रहा है. तो ये भी एक तरह का आपदा ही है, ठीक, एक प्रकार का संकट है.
लॉकडाउन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक, तो एक भी एक प्रकार का आपदा, ये नेचुरल इसको भी मान सकते हैं। जब जस्टिफाइड हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है, तब इसको ह्यूमन में रखा जाएगा, ह्यूमन हैजार्डस में, संकट मतलब मानव निर्मित संकट में रखा जाएगा, ठीक, तो अभी इसको हम फिलहाल नेचुरल मानते हैं, ठीक ना। तो नेचुरल में कैसे, अभी तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, लहरें, बाढ़, भूस्खलन, अकाल और आग का लगना।